रिपोर्टर डाइजेस्ट के सभी सम्मानित दर्शकों को विजयदशमी की शुभकामनाएं। आपका ये अपार प्रेम है और बे इंतहा मोहब्बत है कि बहुत ही कम समय में रिपोर्टर डाइजेस्ट 1,00,000 की फिगर को क्रॉस कर चुका है। आप सभी का धन्यवाद। यूं तो हर धर्म में त्यौहार एक ऐसा मौका होता है जब किसी धार्मिक आयोजन या उत्सव के मौके पर सब लोग इकट्ठा हों, मिलजुल कर मनाएं और एक दूसरे को मुबारकबाद दें। लेकिन पिछले दिनों हमारे देश में कुछ जगहों पर गैर हिंदू का गरबा प्रोग्राम में प्रवेश वर्जित है। ऐसे पोस्टर लगाकर जहां नवरात्रों में गरबा आयोजनों के दौरान गैर हिंदू विशेषकर मुस्लिम के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। इंदौर के ऑक्सफोर्ड कॉलेज के गरबा कार्यक्रम के आयोजन में वॉलंटियर बने कॉलेज के ही मुस्लिम छात्रों को हवालात की हवा खानी पड़ी। ऐसा प्रतीत होने लगा कि हिंदू मुस्लिम के बीच फासले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक अच्छी मिसाल देखने को मिली रामपुर में, जहां विजयदशमी के दिन रावण दहन कार्यक्रम में भाजपा का मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले मुख्तार अब्बास नकवी का हिंदू संगठनों ने जमकर स्वागत किया। उनको न सिर्फ रावण दहन कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाया गया बल्कि उन्होंने अपने कर कमलों से आरती भी उतारी और इस धार्मिक आयोजन में जमा हुए लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आज पूरी दुनिया सबसे ज्यादा अगर किसी संकट से गुजर रही है तो वो आतंकवाद के संकट से। और भगवान राम ने जो संदेश और पूरी दुनिया के सामने जो सबक रखा है वो साफ सबक है, साफ संदेश है कि हमें इंसानियत को बचाना है, मानवता को बचाना है। दुनिया को आतंक और अहंकार और अराजकता से बचाना है तो हमें वही रास्ता अपनाना होगा जिस रास्ते को कि भगवान राम ने हमें दिखाया है। और आज हम जब यहाँ पर विजयदशमी के अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हैं, दशहरे के अवसर पर हम यहाँ एकत्रित हैं, तो आज पूरे देश के लिए, न केवल पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए अयोध्या की राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम भी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे साधु संतों के प्रयासों से शुरू हो गया है। मैं एक बार फिर आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। वहीं कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर सवाल किया तो मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, देखिए भारत दुनिया का अकेला देश है जो हर वर्ष अहंकार, अराजकता और आतंक के खात्मे का संकल्प लेता है। और भगवान राम ने जो सबक और संदेश पूरी दुनिया को दिया है अहंकार, अराजकता और आतंक के खात्मे के संकल्प का, और भगवान राम के रास्ते पे चल करके मानवता की रक्षा करने का, उसको हम बार बार उस संकल्प को हम दोहराते हैं। और विजयदशमी और दशहरे का यही संदेश है और इस संकल्प के साथ भारत आगे। सर आज के दिन में हिंदू मुस्लिम की क्या संदेश है, कुछ जनता के लिए क्या संदेश है? देखिए दुनिया की हर कौम, हर मजहब पूरी मजबूती के साथ चाहेगी कि बुराई
अराजकता आतंकवाद का खात्मा हो। और पड़ोस में आप एक देश है, वहाँ देख लीजिए जिस तरह से वहाँ पर आतंकवाद दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, जिस तरह से महिलाओं के साथ, जिस तरह से वहाँ के आम लोगों के साथ जो आतंक के गोलों के साथ उनके साथ व्यवहार हो रहा है, वो केवल खत्म हो सकता है इसी हमारे भारतीय संकल्प और भगवान राम के संदेशों से। रामपुर से फहद खान के साथ तासीन मोहम्मद फयाज खान। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर के सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे।